हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल माय मैथ। हम चैप्टर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 16 तक। आज हम इस चैप्टर को कर देंगे फिनिश। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या बोलता है? 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। अब बच्चों, मैंने क्या बताया था, जब मैंने ये एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट आपको शुरू करवाई थी, मैंने मेरी लास्ट वीडियो में देखा, मैंने यहाँ पे 8 फॉर्मूलाज लिखे थे जिनके ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज थी डिपेंड। लेकिन हमने उन 7 फॉर्मूलाज का यूज करके तो कर लिए हैं सारे क्वेश्चन, लेकिन ये लास्ट फॉर्मूला आपका ये और हमारे अब इसी के ऊपर डिपेंड है जितने भी क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन को इस फॉर्म में दिया हुआ है, आपको चेंज करना है इस फॉर्म में। क्वेश्चन इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में आपको चेंज करना है। तो चलो करते हैं, आप भी करो, नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ, मेरे साथ साथ करो। 27x³, x³ तो x³ रहेगा, 27 किसका क्यूब है बच्चों? 3 का। आप इसको लिख सकते हो 3x³, आप इसको लिख सकते हो y का क्यूब बिकॉज यहाँ पे तो y है, आप इसको लिख सकते हो z का क्यूब क्योंकि यहाँ पे तो z है, आप इसको लिख सकते हो 3x y यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे z भी आएगा। इस फॉर्म में आपने इसको बनाया 3x का क्यूब y का क्यूब z का क्यूब माइनस 3x yz, ठीक है। अब आप इसको कर दो इस फॉर्म में कन्वर्ट। कैसे करोगे देखो, आप लिख दोगे 3x + y + z, क्योंकि आपके पास x की जगह 3x है, y है, z है, इंटू 3x² + y² + z² - x into y, x आपका क्या है 3xy - yz, yz आपका yz ही रहेगा बिकॉज yz की जब वैल्यू yz ही है 3zx। सिर्फ आपको इसमें एक चीज और चेंज करनी है, 3x + y + z, 3x का स्केयर करोगे आपका 9x स्केयर आएगा। आगे आप सेम लिख दोगे बिल्कुल एज इट इज, तो बच्चों ये आ गया आपका आंसर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको करना है वेरीफाई LHS = RHS। अब आप लोगे RHS, आपने उठाया RHS, आपने लिखा इसको ऐसे यहां पे। क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, अगर आप इसको मेरे साथ समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत इजीली समझ आएगा। अब आपको करना क्या है, इसको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, x - y² आप ओपन कर दोगे, a - b² - a² + b² - 2ab, सभी बच्चों को पता है x² + y² - 2xy, ऐसे ही आप yz में लगाओगे y² + z² - 2yz, ऐसे ही आप इसमें लगाओगे क्या z² + x² - 2zx। सिंपल किया आपने x - y² - x² + y² - 2xy, y - z² - 2zy, z - x² - z² + x² - 2xy। अब आप क्या करोगे, 1/2 x + y + z को रखोगे सेम। अब देखो बच्चों, x² आपका क्या आएगा 2x², y² आपका क्या आएगा 2y²,
z स्क्वायर आपका प्लस का है तो ये आपका क्या आ जाता है 2z स्क्वायर माइनस 2xy यहां पे आ जाएगा, माइनस 2yz यहां आ जाएगा, माइनस 2zx आपका आ जाएगा ये। अब 2 इस पूरी ब्रैकेट में 2 है सबके साथ, आप 2 को ले सकते हो बाहर कॉमन। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको आराम आराम से सोल्व करेंगे ताकि कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो और बच्चों को भी इजीली समझ आए। देखो बच्चों, जब आप इस पूरी ब्रैकेट से 2 कॉमन लेते हो, आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई में है, ये तीनों मल्टीप्लाई में है। जब आप यहां से 2 कॉमन लोगे, आप इसको लिख सकते हो, यहां आप अंदर जो बचा है वो सब लिख सकते हो। इसको आप लिख दोगे x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस z। अब बच्चों 2 से 2 हो जाता है यहाँ पे कट, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कट, और ये जो आपका आया है x प्लस y प्लस z x² प्लस z² माइनस xy प्लस yz माइनस zx, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि आप इसको लिख सकते हो ये, आप इसको क्या लिख सकते हो ये, बिकॉज जब आप इसको ओपन करोगे आपका आएगा ये, तो यानी कि हमारा प्रूफ हो चुका है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, बिकॉज ये होता है इसके इक्वल। ठीक है, अब आपको हो गया प्रूफ, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या दिया हुआ है, इफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 सो दैट x³ y³ z³ इज इक्वल टू xyz। अब बच्चों आप इस फॉर्मूले से तो वाकिफ हो ही गए होंगे, x³ y³ z³ माइनस 3xyz प्लस xy+z x³ + y² + z² माइनस xy - yz - zx, ये तो आपका फॉर्मूला है। अब इसने क्या कहा, x + y + z किया है 0, पुट कर दो x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू 0 इंटू दिस x² + y² + z² - xy - yz - zx। अब बच्चों ये तो आपको पता ही है, 0 से आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करोगे वो क्या हो जाएगा 0। अब ये पूरा क्या होता है 0, तो यहाँ पे आएगा x³ + y³। देखो कितना इजी क्वेश्चन है और आपने कितना इजी तरीके से इसको किया है प्रूफ, और ये आपका हो गया प्रूफ क्या, x³ + y³ + z³ = 3xyz, और आपको यही करना था और ये आ गया आपका। करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इसने क्या कहा आपको कि विदाउट क्यूब, इसका बिना क्यूब के आपको उसको करना है सॉल्व। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी तरीके से करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या करना है आप इन तीनों नंबर को सिंपली एक बार करके देख लो प्लस, यानी कि आप करो 12 -12 + 7 + 5। अब आपको पता है -12 7 + 5 + 12 ये कट हो जाता है और ये आपका आया 0। तो बच्चों जो हमने लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला किया था, क्या किया था हमने, वही किया था x³ + y³ + z³ - 3xyz, जो अब हम अभी प्रूफ करके इसी वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में हम प्रूफ करके यही हटे हैं कि ये यहाँ पे 0 आएगा जब हमने पुट किया था। क्या देखो यहाँ पे हमने क्या करके देखा है, x + y + z जो हमें दिया गया था उसमें कि 0 है, यहाँ पे हमारा x + y + z किसके इक्वल आया 0 के। अगर x + y + z 0 होगा तो आपका ये राइट हैंड साइड तो पूरा 0 हो जाता है, हमने अभी प्रूफ किया है पिछले क्वेश्चन में, वहां चेक कर सकते हो आप। तो अगर ये आपका 0 हो जाता है तो हमारे पास सबसे सिंपल बात क्या हो जाती है, x + x³ + y³ + z³ = 3xyz। यानी कि अगर आप 3 × -12 × 7 × कर दोगे 5, तो ये आपका आएगा दिस, और ये आपका है आंसर।
कैसे? मैंने आपको क्या कहा, आप तीनों को प्लस करके देख लो, बिकॉज ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की है, ये जेड की है। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो आएगा तो आपका राइट हैंड साइड टोटली हो जाता है जीरो। जब आपका राइट हैंड साइड जीरो हो जाता है, आप थ्री एक्स वाई जेड को ले जाओगे यहाँ, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपको हो जाता है। ये हमने भी प्रूफ किया है पीछे, तो आप इसकी कर दोगे मल्टीप्लाई और आएगा आपका आंसर। ऐसे ही आप इसके सेकंड पार्ट में करके देखोगे, आप क्या करके देखोगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो आता है क्या? 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13। अब बच्चों आपको तो पता ही है ये दोनों माइनस के हैं, और आप इनको करोगे प्लस और ये आएगा माइनस का 28 और ये कट के आएगा जीरो। यहाँ पे भी आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड है जीरो, सेम ऐसे ही आप क्या कर दोगे, 3 × 28 माइनस 15 माइनस 13 और मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों इसी के साथ आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स होता है खत्म, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 15 और 16 इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।